नमस्कार दोस्तों, वीडियो में देखेंगे डीमार्ट शेयर में 12 जून के लिए हमें क्या क्या नजर है दोस्तों बनाए कर रखना चाहिए। तो नोटिस करते हुए डीमार्ट का हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है, स्टॉक आपको क्लियर है कि डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। पिछली बार अगर नोटिस करते हैं तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो कंफर्म नहीं था बिकॉज ऑफ स्टॉक ने यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल अच्छे से नहीं दिखाया। फिर स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के नीचे आता हुआ नजर आ रहा था ना, 3747 को स्टॉक ने रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पर सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी कंडीशन क्या है उसकी थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम इन दोनों लोग जोड़ते हैं स्टॉक के अप ट्रेंड की शुरुआत करता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए अगर स्टॉक अपना यहाँ पे 3747.45 का जो रेजिस्टेंस लाइन है अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तभी आपको यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर हम रेजिस्टेंस लाइन की बात करें तो ये पहला रेजिस्टेंस का इंतजार करना चाहिए 3747 का, उसके बाद रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3932.45 का, देन रहेगा 4201 का, राइट। सपोर्ट लाइन की अगर हम बात करें दोस्तों, पहला सपोर्ट लाइन 3438 का देखने को मिल जाएगा, दूसरा सपोर्ट लाइन दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 3351.85 का। दोस्तों डीमार्ट शेयर में बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की, कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल्स पे ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी सपोर्ट लाइन जो कि रहेगा 3573 का रहेगा सपोर्ट लाइन, और नेक्स्ट सपोर्ट लाइन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 3515 का, देन रहेगा 3491.30 का। दोस्तों रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 3693.65 का। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू।